लोकसभा चुनाव की तरह स्ट्राइकिंग रेट रखें और अपने विरोधी को जीरो पर आउट करें। राजद तो लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाया। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने का नाम ही नीतीश कुमार जी की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपको बताते चले कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो पटना पहुंचकर एनडीए के 15 सालों को का कामों को गिनवा रहे हैं। वही आपको बताते चले कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन आज पटना पहुंचे और उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सफाया हो गया था, उसी तरह इस बार विधानसभा चुनाव में भी सफाया हो जाएगा। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। नहीं खोल पाया, वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रहा है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी ने बिहार को अनेकों तोहफे दिए हैं। कल ही कोसी महासेतु, जिसको अटल जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उसको नरेंद्र भाई ने पूरा किया। जिस तरह से 21 तारीख को मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था बीहपुर से बीरपुर, जो हमारी कर्मभूमि या जन्मभूमि को जोड़ता है, उसमें उस रोड का नाम ही NH 106, 137 किलोमीटर, और उसमें फुलौत की तरफ से तो रोड भी यूपीए गवर्नमेंट में उसको टेंडर कर दिया, और बीहपुर से फुलौत तक करीब 9 किलोमीटर से लंबा जो मिसिंग लिंक कह दिया था यूपीए। मैं बहुत प्रयास करता रहा, बहुत बार पार्लियामेंट में उठाया, बहुत कोशिश करता रहा, उसका डीपीआर बनता रहा, और जो डीपीआर बना रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका देहांत हो गया, मैं भी वहां से सांसद नहीं रहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका रहा। वो कोसी पर और बिहार का सबसे लंबा पुल होगा, जिसका कल प्रधानमंत्री जी ने 21 तारीख को वो शिलान्यास करेंगे। और भागलपुर में ही गंगा जी पर एक अलग से पैरेलल एक पुल वहाँ पर बनाने का वो ऐलान पहले किया है और उसका भी शिलान्यास करेंगे। ऐसे बिहार में अनेक योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि दो विषय भागलपुर से रिलेटेड थे। एक जिले में दो लंबा पुल, जनता को ये दिखता है कि आप जानते हैं कि पुल निर्माण में 1975 से 2005 तक सिर्फ 314 पुल का निर्माण हुआ, वहीं एनडीए के शासनकाल में पहले 3 साल में 336 से अधिक पुल का निर्माण हुआ, और 5-6 के बाद 2200 से अधिक पुलों का। और आज हम ये कह सकते हैं कि बिहार राज्य पुल निगम का जो टर्नओवर है वो 42 करोड़ था, वही बढ़कर 1503 करोड़ रुपए हो गया है। एक बात साफ बिहार में दिख रही है, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन बिहार में जो नामुमकिन है उसको मुमकिन करने का नाम ही नीतीश कुमार जी की सरकार है। उन्होंने असंभव को संभव किया है, नामुमकिन को मुमकिन किया है, और उनके मुख्यमंत्री का जो अनुभव है वो देश में सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा, और हम लोकसभा की तरह जिस तरह 100% सीट बीजेपी ने जीती थी और हमारे एलाइज ने, एक अगर किशनगंज को छोड़ दें तो वो सारी सीट हमने जीती, इस बार इरादा है कि हम लोकसभा चुनाव की तरह स्ट्राइकिंग रेट रखें और अपने विरोधी को जीरो पर आउट करें। राजद तो लोकसभा में खाता भी नहीं खोल पाया।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का साफ तौर पे कहना है कि आरजेडी का जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया था, उसी तर्ज पर इस बार बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को पूरे तरीके से सपोर्ट करेगी और महागठबंधन का सुपारा साफ हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बयानबाजी का जो दौर है वो लगातार जारी है, ऐसे में कौन से दल को फ़ायदा होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।